हेलो गाइस, वेलकम टू डकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मार्च का महीना भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आने वाला है अप्रैल का महीना। और अप्रैल के महीने में आपको बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्चेस इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि अप्रैल 2020 में इंडिया में देखने को मिलेंगे सारी डिटेल्स के साथ में बताऊंगा क्या प्राइस पॉइंट पाएगा, क्या एक्सपेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसी बात पर कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लेकर टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का, आई होप के ऊपर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन मैंने वीडियो डाला था, प्रीवियस वीडियो, जो रेडमी K30 प्रो के सारे स्पेक्स, प्राइस पॉइंट इंडिया में कब आ सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पा सकता है, सारी डिटेल्स दिया हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं उसका लिंक डालूंगा। डेफिनेटली ये वीडियो के देखने के बाद आप वो चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपकमिंग स्मार्टफोन अप्रैल से पहले जो मार्च की जो लास्ट वीक बची हुई है उसमें आपको इंडिया में दो स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। जो पहला स्मार्टफोन लॉन्च रहने वाले वो रहने वाला है Realme Narzo सीरीज का, Narzo 10 और 10A। यस, मुझे पता है कि इंडिया में लॉकडाउन चालू है, लेकिन Realme की टीम ने पहले से वो जो है लाइव जो होने वाला है उसको पहले से शूट करके रखी है। और माधव सेठ, इनके जो CEO है, इन्होंने बता दिया है कि भाई वो जो इवेंट है वो यहां पर कंटिन्यू आपको 26 मार्च को देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेल्स है वो आपका जो है अभी जो लॉकडाउन वगैरह हटने के बाद से वो स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली जो इवेंट आपको 26 तारीख को देखने को मिलेगा। अब Narzo 10 की अगर हम बात करें तो बताया जा रही है Realme 6 जो कि आपको कुछ टाइम पहले यहां पर म्यांमार में आई थिंक लॉन्च हुआ था, उसका रीब्रांड वर्जन देखने को मिलेगा। और जो Narzo 10 रहने वाला है वो आपका Realme C3 का ट्रिपल कैमरे वाले का यहाँ पर रीब्रांड वर्जन होके आने वाला है। और जो Narzo 10 है उसकी प्राइस पॉइंट तकरीबन 10,000 रुपए के आसपास मिलेगी, और जो Narzo 10A है वो तकरीबन आपको 8,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। वैसे इसके क्या स्पेक्स रहेंगे और क्या सारी चीजें रहेगी उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, नहीं देखे हो चैनल पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। जो दूसरा स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो लॉन्च होने वाला है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से, Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 10। जी हाँ, 5G स्मार्टफोन रहने वाला है और बहुत ही कमाल का यहाँ पर ये स्मार्टफोन रहेगा। 31 मार्च को यहाँ पर जो है ऑनलाइन इवेंट के थ्रू यहाँ पर Xiaomi से लॉन्च करने वाला है। पर आपको बता दूं यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपका 8K तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, एज वेल एज यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है 90Hz के साथ में, एज वेल एज सिंगल पंच होल का डिस्प्ले रहेगा, 4780mAh के आसपास की बैटरी मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, वो भी फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग, 30W की जो है चार्जिंग आपको वायरलेसली का भी सपोर्ट मिल जाएगा, 108MP का आपको क्वाड कैमरे का सेटअप भी देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही कमाल धमाल यहाँ पर ये Xiaomi का फ्लैगशिप स्मार्टफोन रहेगा। ये भी 31 मार्च को यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होगा, Amazon एक्सक्लूसिव रहने वाला है। तो लॉन्च हो जाएगा, मे बी जो इसका भी सेल यहाँ पर जो है आपका 14 अप्रैल के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो अगेन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max आपका 12 मार्च को तो लॉन्च हो ही गए थे। अब इसका छोटा भाई जो कि Redmi की नंबर सीरीज Redmi 9 जो है, बताया जा रहा है आपको अप्रैल के 3rd या 4th वीक में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है जो इसकी प्राइस पॉइंट है डेफिनेटली जो 8 से 9,000 रुपए के बीच में रहेगी। और ये आपका आ सकता है MediaTek के Helio G70 प्रोसेसर के साथ में, कैमराज आपके अच्छे रहने वाले, बड़ी बैटरी 5000mAh के आसपास की देखने को मिलेगी फास्ट चार्जिंग के साथ में, और अगेन वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ये भी फोन काफी कमाल रहने वाला है यहाँ पर Xiaomi की तरफ से, Redmi 8 का सक्सेसर रहेगा। अब देखते हैं Xiaomi क्या प्राइस पॉइंट पे लाता है, क्या एग्जैक्टली में स्पेक्स देता है, वो तो आने वाले टाइम में ही हमें पता चल जाएगा। गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme X2 के बारे में तो आप सभी को पता है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है, 17,000 रुपए में ऑलराउंडर स्मार्टफोन है AMOLED डिस्प्ले के साथ में। अब उसका सक्सेसर बहुत टाइम से यहाँ पर स्पॉट हो रहा है, Realme X3 बताया जा रहा है 4th वीक ऑफ अप्रैल में आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यहाँ पर इस्तेमाल करा जाएगा। और बहुत सारी लीक्स ऐसी भी आ रही है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का जो है 765G या वाला आपको जो 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है, और वुक चार्जिंग तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलती है। तो ये भी काफी कमाल फोन रहने वाला है। वैसे स्पेक्स इतने निकल के नहीं आए, प्राइस पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली जो है 20,000 रुपए के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पर Realme क्या कमाल करता है, वैसे ये तो आपको अप्रैल की लास्ट वीक में ही देखने को मिलेगा। गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो आता है Infinix का बजट स्मार्टफोन Hot 9। यार ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तकरीबन बताया जाता है कि 7 अप्रैल के आसपास लॉन्च होने वाला है। अब ये पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन 7 अप्रैल अगर नहीं होता है तो 7 अप्रैल के आसपास आपको जो ऑनलाइन इवेंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी ये इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में आज के दिन यहाँ पर लॉन्च हो चुका है और स्पेक्स वगैरह निकल के आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पर 6.6 इंच का बड़ा सी डिस्प्ले मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी है, क्वाड कैमरे का सेटअप है, प्रोसेसर अगेन MediaTek का Helio A25, मतलब मीडियोकर प्रोसेसर
प्रोसेसर है, लेकिन आपको जो है अगेन मीडियाटेक का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया वाली करेंसी को इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करके बताऊं तो तकरीबन 7,700 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ है। डेफिनेटली जो इंडिया में आपको 7,500-8,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अब वेट करो, अगर आपको सस्ते में पंच होल वाला स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इन्फिनिक्स हॉट 9 का इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, जो ऑफलाइन सेगमेंट में काफी पॉपुलर सीरीज है, वी सीरीज का वीवो V19। और इसका फर्स्ट लुक वगैरह आ चुका था, 3 अप्रैल के आसपास लॉन्च भी होने वाला था, लेकिन इसको पोस्टपोन करके आगे ढकेल दिया गया है। तो मे बी जो है यहाँ 14 अप्रैल के बाद ही आपको जो है अप्रैल में कन्फर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो पोस्टर में आप देख सकते हो डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, एज वेल एज 8GB रैम 128GB देखने को मिलने वाला है। आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। कैमराज ये बार बताया जा रहा था 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, एज वेल एज प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 712 का देखने को मिलने वाला था। और प्राइस पॉइंट तकरीबन इसकी जो है 25,000 रुपए के आसपास रहेगी, तो डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि ऑफलाइन का स्मार्टफोन है। लेकिन ये फोन जो है स्मार्टफोन जो ऑफलाइन में परचेस करते हैं उन लोगों के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपको वेट करना है, वीवो वी सीरीज अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली आप V19 का जो है वेट कर सकते हो इंडिया लॉन्च का। सो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो आने वाला सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M51, और यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो प्राइस पॉइंट है तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास मिलेगी। बताया जा रहा है 4,000-5,000 mAh के आसपास की बैटरी रहेगी। अगेन बताया जा रहा है एक्सिनोस का 9611 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और ये बार बताया जा रहा है 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ में जो है फोन देखने को मिलने वाला है। तो अगेन देखते हैं यहाँ पर सैमसंग क्या कुछ कमाल करता है। वैसे M31 और M21 जो है काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आए थे, अब देखते हैं M51 यहाँ पर क्या कुछ कमाल करेगा, वो तो अप्रैल के एंड में ही हमें देखने को मिलेगा। गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो या तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड एक्स 2, और यहाँ पर डेफिनेटली जो है ग्लोबली तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया में बताया जा रहा है अप्रैल के महीने में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये फोन काफी ज्यादा आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा फीचर रिच है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 6.7 इंच का एक 120Hz वाला क्वाड HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड का पैनल है, 65W की जो है आपको सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, 48MP का ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप है, स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिल जाता है, 32MP का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल काफी जबरदस्त स्मार्टफोन, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, और इंडिया में बताया जा रहा है डेफिनेटली जो अप्रैल की 3rd और 4th week के बीच में ही देखने को मिलेगा। अब वेट कर लेते हैं, देखते हो वो एग्जैक्टली में क्या प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च करता है। वैसे एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 50,000 के ऊपर का ही फोन यहाँ पर रहने वाला है। सो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करें जो कि काफी पॉपुलर हो चुका है पहले से ही, लॉन्च से पहले ही। अब आप सभी को पता है कि आज के दिन यहाँ पर जो है Redmi ने अपना Redmi K30 Pro जो है चाइना में लॉन्च कर दिया था। अब जो K30 है वो Poco X2 है, तो K30 Pro जो है मैं भी जो है Poco F2 के नाम से जो आपको अप्रैल में देखने को मिल सकता है, ऐसे हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि Poco का काफी पॉपुलर स्मार्टफोन रहा कम बैक के बाद में, और Poco F2 का भी बहुत ही लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं भी जो इतना गैप आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो मैं भी यहाँ पर Poco टीम कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहेगी। और जो K30 Pro है स्नैपड्रैगन 865 और काफी कमाल फीचर्स के साथ में आपको रीब्रांड करके Poco F2 के नाम से भी मैं भी जो है अप्रैल के एंड में दे दे। वैसे इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में गैस था तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो ये थी मेरी वीडियो अपकमिंग स्मार्टफोन अप्रैल 2020 इंडिया की। पर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप पर्सनली कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, और क्या आप ऑलरेडी स्मार्टफोन कोई सेल में परचेस कर लिए हो, या किसका वेट कर रहे हो, क्या प्राइस पॉइंट पे वेट कर रहे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको ऑडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको ऑडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।